गले पर पट्टी बनी हुई और रोती बिलखती दिखाई दे रही ये वही महिला है जिसको एक तरफा प्यार में पागल भोला नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित महिला की माने तो वह आरोपी भोला से प्यार नहीं करती है, आरोपी जबरन उसे परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत भी उसने पुलिस को कर रखी थी, लेकिन पुलिस का जवाब था कि पहले वह थाने आकर शिकायत लिखाए। महिला का आरोप है कि वह पिछले 3 दिन से डर के वजह से अपने घर में ही थी और मौका मिलते ही आरोपी ने उसके घर पर ही हमला बोल दिया। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, वो जबरदस्ती करता है। पहले भी कम्प्लेन करी, जब तक 9 महीने तक बोला नहीं कुछ भी। 3 दिन से कम्प्लेन डाल रखी है, फोन कर रही हूँ। आज वो आके उसे मौका मिला, उसने चाकू मार दिया। कहाँ पे मारा था ये चाकू? ये गर्दन पे मारा। कौन सी जगह पे? घर पे। कहाँ है आपका घर? प्रेम नगर। अच्छा अच्छा, तो पुलिस में दे दी शिकायत? हाँ दे दी। पिछले 3 दिन से लगातार परेशान कर रहा था। हाँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो पुलिस आई नहीं थी। वो कह रहे थे कि पहले कंप्लेन लिखवाओ, और वो घर से मैं निकल नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब घर पे आ जाए ना, जब बुलाना। मैंने कंप्लेन कर भी दी। वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि गले पर गहरा निशान बना हुआ है। महिला ने बताया है कि किसी ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। उन्होंने महिला के गले पर टांके लगा दिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी अभी एक पेशेंट आया है, लड़की है और शादीशुदा है, 3 बच्चे भी हैं इसके, और कह रही है कि किसी ने इसके ऊपर धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किया है और गर्दन पे वार है, थोड़ा गहरा है। अभी नस तो नहीं कटी, लेकिन तब भी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और टाके लगा के फर्स्ट एड देखे, और जो जरूरत होगी आगे की कार्रवाई कर की जाएगी। पुलिस को सूचना देगी? अभी MLC काटेगी, पहले हमें इसको ट्रीटमेंट देना जरूरी था, उसके बाद MLC काटेंगे इसकी ना। अगर ये क्या चाहती है, अगर ये चाहती है तो फिर ऑब्वियसली कि MLC कटेगी। कई बार ये खुद मना कर दे तो फिर हम नहीं कर सकते। बहरहाल अब ये जांच में ही पता चल पाएगा कि पीड़ित महिला पर कैसे हमला किया गया। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।